दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में किसी से इच्छा करने में बिता सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की जीवन की कहानी बताने वाला हूं, जो अपने पूरे जीवन में गौतम बुद्ध से इच्छा करने में बिता दिया था। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का बिच्छू भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर कड़वाहट का बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों, देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अज्ञात शत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके बिच्छुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना के मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तो राजा अज्ञात शत्रु भी गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुके थे। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी भी खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्यु की दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का शिष्य बन चुका हूँ, इसलिए मैं बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार सच्चे दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षा टन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से छिपा हुआ था। इसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वह बुद्ध को मार देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट आते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो बुद्ध के शत्रुओं में नहीं थी कि वे बुद्ध के सामने से वार कर सके। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त के सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, इसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वह लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत गोल के पत्थर थे, जिन्हें आसानी से ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का एक रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षा टन के लिए उसी रास्ते से वापस लौटेंगे, इसलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध की आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद देवदत्त देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी के नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उस पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण देवदत्त का पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण देवदत्त की बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उसके प्राण लेना चाहते हैं, फिर भी वे उस जख्मी हालत में अपने बिच्छुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह
देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ गई थी, जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज में बुद्ध से कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए भी लायक नहीं हूँ, मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई है। पर बुद्ध कहते हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बुद्ध के इस शब्द को सुनकर देवदत्त के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जानने की क्षमता बुद्ध है। जानने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है, और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंदर में है। उसके कुछ क्षण के बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, इस बात को सोचना जरूरी है, क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है, और क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या और घृणा और लालच ये सभी चीजें व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते और इसे जीने योग्य नहीं बना सकते? तो दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए।